जय गुरुदेव। क्लास 10th आज चलते हैं पुनः राम परशुराम लक्ष्मण संवाद की तरफ। पिछले वीडियो में जैसा मैंने बताया था कि लक्ष्मण परशुराम को गुस्सा करा रहे हैं, अर्थात रणभूमि में पहुंच करके वीर जो है वो क्या करते हैं, पराक्रम दिखाते हैं, जो घायल रहते हैं वह सिर्फ अपनी वीरता का बखान करते हैं। इसके आगे चलते हैं। तुम तो काल हाथ जनु लावा, लक्ष्मण फिर बन कर रहे हैं। काल कौन होता है? यमराज आकर के मौत का कारण बनते हैं, अर्थात उस व्यक्ति को मार करके ले जाते हैं। तो चल 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 इस तरह से जैसे हाँक रहे हो किसको, यमराज को, चल करके मारो किसको, लक्ष्मण को। तो लक्ष्मण इस तरह से परशुराम कह रहे हैं कि तुम जैसे चलो 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 किसको हाँक रहे हो, यमराज को, कि चल करके आओ और लक्ष्मण को मारो। देखो कैसे पंक्ति कहा गया है, तुम तो काल हाथ जन लावा, तुम तो काल को जो है हाथ करके बुला रहे हो, बार बार मुहिलाद बुलावा। तुम काल को जो है बार बार हाथ करके हमारे लिए बुला रहे हो, समझ रहे ना? तुम तो काल हाथ जन लावा, बार बार मुहिलाद बुलावा, तुम बार बार हाथ करके काल को बुला रहे हो लक्ष्मण को मारने के लिए। लक्ष्मण जी ऐसा कह रहे हैं, परशुराम ऐसा कर रहे हैं, समझ में आया? तुम तो काल हाथ जन लावा, तुम काल को हाथ करके बुला रहे हो बार बार बुला, अर्थात हमको मारने के लिए बार बार बुला रहे हो। अब परशुराम देखो क्या स्थिति होती है, यहां तक लक्ष्मण का हुआ। परशुराम क्या कहते हैं, सुन लक्ष्मण के वचन कठोरा। जब उन्होंने कहा कि काल को बुला करके ला रहे हो, तब एकदम गुस्से से तृप्त हो गए कौन, परशुराम। तब क्या कह रहे हैं, सुन लक्ष्मण के वचन कठोरा, लक्ष्मण के इस तरह कटु वचन को सुन करके आगे परशुराम भरे मति घोरा, एकदम तान करके अपना परसा हाथ में चिल्ला करके बोले क्या, अब जनि देव दोष मोह लोगो। समझ में आया यह, सुने लक्ष्मण के वचन कठोरा, लक्ष्मण के कठोर वचन सुन करके परशु सुधार अपने फरसे को परशुराम सुधार करके धरेपति घोड़ा बहुत तेजी से पकड़ लिए। अब जनि देव, अब जितने लोग बैठे हुए हुए मुझे दोष मत देना, अब जन दे दोष मोह लोगो, जितने लोग बैठे हो हमको दोष मत देना। कटुबागी बाधक चपत योग, यह कड़वा बोलने वाला, चूंकि लिंग बोल रहे थे तो कड़वा बोलने वाला यह बालक वध के योग्य ही, मार जाने के योग्य ही है। बाल मतलब बालक, विरोध मतलब देख करके, बहुत बहुत मैं बाचा बचाया, बालक देख करके इसको मैं बहुत बचाया। अब एव मर निहार सचा, अब सचमुच सचमुच, अब यह सचमुच वध करने के ही योग्य हो गया है। अब एव मर निहार सचा, सचमुच सचमुच निहार योग, मरने के ही वास्तव में योग्य हो गया है। ठीक, अब एव मर निहार सचा, सचमुच यह अब मारने के योग्य हो गया है। कौशिक कहा क्षमो अपराधो, कौशिक इसके पहले भी आए थे और विश्वामित्र कह रहे क्षमो अपराधो, हे मुनि परशुराम अपराध को क्षमा कीजिए, बाल दोष गुण गई साधु, बच्चे के दोष को जो है साधु गिनते नहीं है, एक गलती किया एक गलती किया एक गलती किया, बाल दोष बालक के दोष को गुण गुण को गणेंगे साधु, तब गणना नहीं करते हैं साधु लोग, बच्चे जो गलती करते हैं उसको साधु लोग गणना नहीं करते हैं। अब
बुलाए विश्वामित्र। फिर परशुराम क्या उत्तर दे रहे हैं, खरत उठार, जिसे जब चाकू होती है उसको पत्थर पर रगड़ते हो क्या होता है, उसमें धार बन जाती है, उसी तरह इनका खरसा जो है कैसे है, तीक्ष्ण धार वाला हो गया है। खर उठार मतलब इसी धार वाला। मैं अकुलन को, अकुलन मतलब होता है दया रहित, कोई मतलब क्रोधी, जिसके अंदर दया नहीं है और क्रोधी है। हाथ में कैसा है, तीक्ष्ण धार वाला फरसा है, और मैं दया रहित कोई मतलब क्रोधी हूं, आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने जो है इतना हथियार लिए हुए हूं, और मेरे सामने यह गुरु का कोई और अपराधी खड़ा है, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसको तुरंत निपटा देता हूं। ठीक, इस तरह आगे अपराधी गुरुद्रोही, आगे यह गुरु अपराधी और द्रोही खड़ा हुआ है। ठीक, समझ में आ गया। तुम तो काल भाग कुजन लावा, बार बार काल को हाँक करके मेरे लिए बुला रहे हो। सुन लक्ष्मण के बटन कठोरा, लक्ष्मण के इस वचन को सुन करके परशुराम सुधार करके हाथ में वर्षा, अब देव दोष बोलो, अब लोग हमें दोष मत देना, कटुवादी यह कट बोलने वाला बालक बध के योग्य है, बाल भी लोग बहुत नेमाचा, यह लड़का है यह समझ करके मैंने बहुत बचाया, लेकिन यह सचमुच मारने योग्य है। कौशिक कहा चमो अपराधु है विश्वामित्र, विश्वामित्र कह रहे हैं कि संत लोग जो है हे मुनि बालकों के अपराध को गिनते नहीं है। फिर आगे परशुराम बोल रहे हैं, यह तीक्ष्ण वाला धार वाला वर्षा, और मैं दया रहित क्रोधी और आगे अपराधी और गुरुद्रोही है, तो मैं इसे मार डालना ही समझता हूं, इसे जीवित रखना। आगे देखते हैं, उत्तर देत छाड़ो बिनो मारे, अर्थात जो तान लिए हैं फरसा, जब विश्वामित्र कहते हैं तो अपने फरसे को धीरे कर लेते हैं, अर्थात जो ताने हुए हैं क्या करते हैं, शिथिल कर लेते हैं। उत्तर देत छाड़ो बिनो मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे, कौशिक का हुआ विश्वामित्र, शील मतलब शीलता के, तुम्हारे मतलब तुम्हारे, केवल मतलब मात्र, तुम्हारे शीलता के प्रभाव के कारण मैं फरसा ढीले करके रख दे रहा हूं, मार नहीं रहा हूं। उत्तर देत छाड़ो बिनो मारे, अर्थात फरसे को ढीले कर रहा हूं, हे कौशिक हे विश्वामित्र, सिर्फ तुम्हारी शीलता के कारण। नत एही काल उठार कठोरे, नत मतलब नहीं तो, एही इस काट मतलब काट करके कठोर तगड़े कठोरे फरसे से, कठोर फरसे से अभी इसको काट करके गुरई उरिन होते इसका थोड़े ही परिश्रम से मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। मैं गुरु के ऋण से अभी थोड़े ही श्रम में इसको मार करके मुक्त हो जाता। गादी सुत कह हृदय हसी, हृदय में कैसे हंसा जाता है, अर्थात मन में प्रसन्न हुआ जाता है। जैसे किसी चोर को देख रहे हैं हम, इसने चोरी किया है और उसे साथ छुपलवाया जा रहा है, और वह झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, बाकी जो जानता है वो मन में हंसता रहता है कि सही नहीं बता रहा है। वही हाल यहाँ है, देखो कि गांधी सुत गांधी के पुत्र विश्वामित्र, विश्वामित्र कह हृदय हंस, अपने हृदय में कह करके हंस रहे हैं, ओपन होकर के नहीं कहा इसने, कह करके हंस रहे। कौन लिख रहा है, तुलसीदास लिख रहे हैं कि विश्वामित्र जो है हृदय में हंस करके कह रहे हैं, मुनि हरिहर सूझ, अर्थात परशुराम को यहां जो है सिर्फ हरा हरा गन्ना दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, हरा हरा गन्ना। तो गन्ना जब दिखाई देता है, गन्ना मीन सुबह के, तो उसको चूसने की इच्छा होती है, उस तरह यह हरा हरा गन्ना दिखाई दे रहा है किसको, परशुराम को। ये सोच रहे कभी झटके में तोड़ लेंगे
और मुंह में चूस लेंगे, अर्थात खत्म कर देंगे गंदगी को। जबकि अयमय खान मुख में, अर्थात हरा हरा क्या दिखाई दे रहा है, चारों तरफ दिखाई दे रहा है, अयमय खान मुख में, यह न तो खान है और न मुख है। अजम न मुझ अमूज, अर्थात यह परशुराम अब भी ना समझ बने हुए हैं, अब अजमुन बूझ अबूझ, अब भी बूझ नहीं पा रहे, सच्चाई नहीं जान पा रहे हैं, अभी भी क्या है, नादान बने हुए हैं। तो यहां क्या है, किसकी बनी मुख है, लोहे की बनी मुख है, अर्थात अगर वो मुंह में डालेंगे तो क्या होगा, दांत टूट जाएंगे। जबकि सोच रहे हैं क्या, हरा हरा गन्ना है, इसको हमें तोड़ करके चूस लूंगा। अर्थात इसका क्या मतलब हुआ कि वह राम और लक्ष्मण को एक साधारण बालक समझ रहे हैं, जिनको सोच रहे हैं कभी सर से मार करके ऋण हो जाऊंगा, जबकि ये नहीं जा रहे कि अगर इनको मारने की कोशिश करेंगे इनका फरसा और स्वयं ये नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी मुनि को नहीं समझ में आ रहा है, वास्तविक अर्थ ये हुआ और इसमें जो शाब्दिक दिया गया है वो ये हुआ, मुनि को सभी हरा हरा गन्ना दिखाई दे रहा है, जैसे वह अभी एक झटके में तोड़ करके खत्म कर लेंगे। क्लियर? इस तरह आज का